हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इमेज प्रीव्यू बिफोर सेव टू टेबल्स। एक्चुअली हम क्या करेंगे कि सेव, आप नॉर्मली तो आप ऐसा होता है एपेक्स में कि आप डेटाबेस में सेव कर लेते हैं और बाद में आप उसको डिस्प्ले इमेज करते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को, तो आपको प्रीव्यू कर देता है, आपको डिस्प्ले कर देता है। मगर हम क्या करेंगे, हम एक प्रीव्यू लेंगे डेटाबेस में सेव होने से पहले। तो ये आज का हमारा सिनेरियो है, इसको हम देखते हैं और चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो एक पेज मैंने एक बना रखा है, इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, अब जैसे फाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दे देगा। ये भी डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है, सिर्फ आपको इसने प्रीव्यू दिया है, ठीक है। जैसे ही आप डेटाबेस में सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी डेटाबेस में सेव हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपकी डेटाबेस में सेव हो जाएगी और डेटाबेस का ये प्रीव्यू इमेज तो आपको नॉर्मली मिल ही जाता है, ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक हम नया पेज बनाते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, एक स्कीमा बना लिया है अपना और टेबल बना लिया, क्रिएट टेबल माई एम्प्लाई, एम्प्लाई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट एंड इमेज, एम्प्लाई इमेज। इसकी टाइप है ब्लॉब, मैंने दे दी है, ठीक है जी। इसकी टाइप मैंने ब्लॉब दे दी है। हम एक पेज बनाते हैं, फॉर्म, रिपोर्ट विद फॉर्म, नेक्स्ट। एम्प्लॉय रिपोर्ट वन और ये फॉर्म का नाम दे दें, एम्प्लॉय फॉर्म वन, ठीक है जी। इसको आप नेक्स्ट करें और इसे क्रिएट कर लें। स्कीमा कौन सा लेना है हमने, माय ईएमपी का। इसको नेक्स्ट करें आप और रो आईडी ले लें आप एज अ प्राइमरी की और ये आपका पेज बंच। वैसे रन करें तो नॉर्मली देखें। अब क्या यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, इसको आप क्लिक मारेंगे तो ये देखें यहाँ पे चूज फाइल आ रही है प्रीव्यू। अगर अब यहाँ पे आपको आपको फाइल को दोबारा अपडेट करना है इमेज को, इसको आप अप्लाई कर दें तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी। मगर हमारा सिनेरियो ये नहीं है, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी इमेज को लेकर आए तो वो डिस्प्ले हो जाए, नीचे डिस्प्ले हो जाए बिफोर सेव इन टू टेबल, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके फॉर्म पर चलते हैं, एम्प्लॉय के फॉर्म पर गए हम लोग, राइट। और यहाँ पे एक हम पेज आइटम बनाते हैं, पी सेवन डिस्प्ले, एंड इसको हम इसकी टाइप कर देते हैं डिस्प्ले इमेज, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, स्टार्ट, इसको भी यहाँ से आप ले लें, स्टार्ट वीडियो ख़त्म कर दें और ठीक है, इसकी भी स्टार्ट न्यूरो ख़त्म कर दें, दोनों इमेज साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ज़रा इसको रन करके देखें, पी सेवन डिस्प्ले, ओके जी। इसकी हमने टाइप क्या लेनी है, फ्रॉम रीजन एम्प्लॉय और इमेज ब्लॉब, ये टाइप हमने इसकी चेंज कर दी, ठीक है जी। तो ये साइड टू साइड आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म लेवल पे जाते हैं, एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स पे, ठीक है जी। चलो
चलें इसको फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन शो प्रीव्यू, फाइल आइटम नेम, लेट एस आर सी यू आर एल, क्रिएट ऑब्जेक्ट यू आर एल फाइल, इमेज कंटेनर है दिस वन दिस वन दिस वन। चलें इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो हमारा फंक्शन है, ठीक है जी, शो प्रीव्यू, दिस फंक्शन इज डिजाइन टू डिस्प्ले एन इमेज प्रीव्यू इन साइड ए स्पेसिफिक कंटेनर ऑन द पेज बेस्ड ऑन द फाइल इनपुट एंड आइटम नेम। ठीक है, अच्छा इसके जो पैरामीटर पास हो रहे हैं फाइल और आइटम। फाइल क्या है? दिस सिलेक्टेड फाइल फ्रॉम अ फाइल इनपुट एलिमेंट। जो हम फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं वो है इसका एक फाइल का नाम, सिलेक्टेड फाइल। आइटम नेम, द नेम ऑफ द आइटम और आईडी ऑफ द एचटीएमएल कंटेनर एलिमेंट वेयर द इमेज प्रीव्यू विल बी डिस्प्ले। ठीक है जी, जहाँ पर ये डिस्प्ले होगा उसकी एचटीएमएल की आईडी, एचटीएमएल आईडी ऑफ कंटेनर एलिमेंट। ठीक है, ये डिस्प्ले आप ये पास होगी इसमें दो पैरामीटर्स। अच्छा, अब ये लेट एस आर सी इक्वल टू यू आर एल क्रिएट ऑब्जेक्ट यू आर एल फाइल, दिस लाइन यूज द यू आर एल क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन टू जनरेट अ यू आर एल दैट पॉइंट टू द सेलेक्टेड फाइल। ये एक फंक्शन जनरेट करेगा जो उस फाइल की तरफ पॉइंट करेगा। द यू आर एल कैन बी यूज एज द एस आर सी सोर्स फॉर डिस्प्लेइंग द इमेज इन अ इमेज टैग। जो हमने इमेज का टैग दिया है, यहाँ पे आपको टैग नजर आएगा इमेज के नीचे दूसरे पे, ये उसकी तरफ पॉइंट करेगा। राइट, दोबारा इसको पढ़ते हैं। द लाइन यूज द यू आर एल क्रिएट ऑब्जेक्ट यू आर एल फंक्शन टू जनरेट अ यू आर एल, ठीक है, दैट पॉइंट टू द सेलेक्टेड फाइल। दिस यू आर एल कैन बी यूज एज द एस आर सी सोर्स फॉर डिस्प्लेइंग द इमेज इन अ इमेज टैग। ठीक है, ये हमने एस आर सी में इसकी ये उस इमेज का हमने पॉइंट ले लिया। फाइंड द कंटेनर फॉर द इमेज, इमेज कंटेनर, ये हम इमेज कंटेनर फाइंड। दिस जे क्यू यू डॉलर साइन टू फाइंड एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द आइटम नेम पैरामीटर। द फुल सिलेक्टेड टारगेट एन एलिमेंट विद एन आईडी ऑफ आइटम नेम कंटेनर एंड क्लास ऑफ टी फॉर्म आइटम रैपर। ये एक क्लास होती है, मैं आपको इसकी क्लास का दिखाऊंगा जब हम इसको डीबग करेंगे, वो आपको ये क्लास वहाँ पर नजर आएगी। दिस वेयर द इमेज विल बी शोन, ये इमेज का कंटेनर आपको मिल जाएगा। इमेज कंटेनर एम्प्टी, सबसे पहले इमेज कंटेनर को हम एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, और इमेज अपेंड द इमेज प्रीव्यू, इमेज कंटेनर अपेंड, राइट, इमेज एस आर सी क्लास सी इमेज प्रीव्यू। दिस लाइन अपेंड्स एन इमेज एलिमेंट टू द इमेज कंटेनर सेटिंग इस एस आर सी एट्रीब्यूट टू द यू आर एल जनरेटेड अर्लियर। ठीक है ना, जो ये यू आर एल बनाया है इसको क्या कर देगी, वो अपेंड कर देंगी। द क्लास सी इमेज प्रीव्यू एड अ सी एस एस क्लास फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, सी सी इमेज प्रीव्यू, ये क्लास हम बनाएंगे जो थोड़ा सा आपके इसके जो साइज होगा उसको कम या ज़्यादा बड़ा हम कर सकते हैं। राइट, तो ये हमने पूरा एक फंक्शन लिख दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, ये जो साइन है इसको शायद एक्यूट कहते हैं, एक्यूट साइन कहते हैं मोस्टली। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये साइन देते हैं जिससे उनका कोड चलता नहीं है, तो एक्चुअली आपको ये एक्यूट साइन देनी है इसके सामने। इससे क्या होता है, ये एक्चुअली ये जो एम्बेड है ना, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है आपके इस जैसे आइटम एक्सेस है, ये इंटरपोलेटन शायद जिसका नाम होता है, ये एम्बेड होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है ये। ठीक है जी, आप इसको सेव करें, इसे रन करें। राइट, अभी तक हमें यहाँ पे कोई डिस्प्ले नज़र नहीं आया, आप कुछ भी करें नज़र नहीं आ रहा आप में। तो एक्चुअली ये जो साइन हम बात कर रहे थे किसकी, इसकी एक्यूट एक्सेंट की, तो ये क्या स्ट्रिंग को इंटरपोलेट करता है। इंटरपोलेट क्या मतलब, ये आपको लो करता है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन अपनी स्ट्रिंग में इम्बेड कर लें। जैसे ये है ना, ये इम्बेड किए हुए आपकी इम्बेड किया हुआ है कोड, ठीक है ना, आपकी स्ट्रिंग में ये इम्बेड किया हुआ है। राइट,
अगर इसको मज़ीद जानना है तो आप जाइए जावास्क्रिप्ट की साइट पर जाइए और इसको आप सर्च करिए कि ये साइन क्यों इस्तेमाल होती है आपकी एक्यूट एक्सेंट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने फंक्शन लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप डिस्प्ले इमेज पे आएंगे, डायनेमिक एक्शन बनाए इधर, और इधर आप कर दें एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। राइट, और ये आप एक जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर लिख लें। ठीक है जी, इस कोड को देखते हैं। इसका सबसे पहले तो हम नाम चेंज करते हैं। हमने इसका क्या नाम दिया था, P7 डिस्प्ले। ठीक है, ये P7 डिस्प्ले, तो इसको आप ले लें P7 डिस्प्ले पे। एक्चुअली आप देखें, ये एक मैंने दूसरा फंक्शन ही बनाया हुआ, आप किसी भी रीजन के तहत भी ये काम कर सकते हैं, मगर हम डिस्प्ले आइटम से कर रहे हैं तो इसके लिए हम डिस्प्ले शो प्रीव्यू आइटम्स। ठीक है जी, अब इसे ओके करें। अच्छा, अब ये कोड क्या काम कर रहा है देखें। लेट फाइल्स दिस ब्राउज़र इवन टारगेट फाइल्स। ठीक है, ये जो पहली लाइन हमने लिखी हुई है, दिस ब्राउज़र इवन टारगेट फाइल्स रिट्रीव द लिस्ट ऑफ फाइल्स सेलेक्टेड बाय द यूज़र इन एन एचटीएमएल फाइल इनपुट एलिमेंट्स। दिस इज एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट वेयर ईच फाइल इज रिस्पॉन्सिव बाई एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्रॉपर्टीज लाइक नेम साइज टाइप etc। फाइल जीरो एक्सेस द फर्स्ट फाइल इन द लिस्ट। एक्चुअली ये फर्स्ट फाइल आपकी लिस्ट में से जो भी इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, यूज़र जो भी फाइल ब्राउज करके सेलेक्ट करता है, लिस्ट ऑफ फाइल सेलेक्टेड बाय द यूज़र इन एन एचटीएमएल फाइल इनपुट एलिमेंट्स। इनपुट एलिमेंट क्या है आपका, जो फाइल ब्राउज करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उससे जो भी आपको एरे मिलेगी, ठीक है, दिस इज अ एरे लाइक ऑब्जेक्ट, और उसके जीरो इंडेक्स पे जो भी आपको ऊपर फाइल फर्स्ट फाइल है तो ये आपको फाइल मिल जाएगी आपको उसके। ठीक है, चेक इफ एनी फाइल्स वर सेलेक्टेड इफ फाइल्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर दैन जीरो। अगर इसकी लेंथ जीरो से ग्रेटर है तो क्या आएगा, शो प्रीव्यू आइटम्स, आपकी फाइल्स जीरो पर, और ये आपके इस पे इमेज आइटम जो हमने डिस्प्ले इमेज आइटम है उस पे ये डिस्प्ले कर देगा। देखे ना, फाइल जीरो, दिस इज द फर्स्ट फाइल सेलेक्टेड बाय द यूज़र। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द आइटम इन द केस आईडी वेयर द इमेज प्रीव्यू विल बी शोन। ठीक है, तो ये हमारा कोड था। ओके करें, सेव करें, और इसको हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये देखें, अब ये आपके डेटाबेस से अब सेव नहीं हुई फाइल, अब फाइल सेव अब होगी जब इसे हम सेव करेंगे। इसे आप क्रिएट करें तो ये आपके डेटाबेस में सेव हो चुकी है। इसको दोबारा रिट्रीव करें आप, तो ये डिस्प्ले इमेज वो डिस्प्ले नहीं है नॉर्मली, ये जो डिस्प्ले हो रहा है आपका दिस वन। ठीक है, आपका इमेज डिस्प्ले हो रहा है। हम एक और फाइल सेव करते हैं, क्रिएट आईडी xyz, हाई डेट आपकी आ जाएगी, आज ही ले लें, एक फाइल ले लें आप और डाउनलोड दिस वन। ठीक है जी, ये अब तक डेटाबेस में आपके सेव नहीं है, मगर सेव से पहले हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है, आप इसे क्रिएट करें तो ये आपका एक और रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको हम रैप अप करते हैं। एक दफ़ा दोबारा हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने एक ने सबसे पहले हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया और उसकी ग्लोबली एक फंक्शन को हमने डिफाइन किया। इस फंक्शन को, इस फंक्शन में हमने क्या किया है ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, CCMH प्रीव्यू क्लास। अच्छा, ये रैपर क्लास की बात कर रहे थे हम, रैपर क्लास आपको यहाँ पर नज़र आएगी।
यहाँ पे आपको एक रैपर क्लास नज़र आएगी। एलिमेंट्स में आए, बॉडी कंटेंट, यहाँ पे एक रैपर क्लास होती है वो आपको नज़र आएगी यहाँ पर अगर आप देखेंगे। मतलब यहाँ पे एक रैपर क्लास होती है जो इसको रैप करके देती है हमें, ठीक है जी। इस रैपर क्लास को हमने फॉर्म डॉट आइटम रैपर, ठीक है, ये कोड ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके बाद हमने एक कोड लिखा, ग्लोबली फंक्शन लिखा हमने, और उसके बाद एक हमने डिस्प्ले आइटम बनाया, और उसके बाद ये हमने आइटम ले लें आप यहाँ पे और P7 डिस्प्ले, ठीक है जी। एक हमने डायनेमिक एक्शन बनाया यहाँ पर इम्प्लाई इमेज पे, जब भी डायनेमिक एक्शन जो भी हुआ जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा और वो कोड क्या करेगा आपके ये प्रीव्यू फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है जी। इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं हम लोग। ये आपकी इमेज आ रहे हैं यहाँ पर, और ठीक है तो ये इमेज आपका प्रीव्यू हो रहा है बिफोर सेविंग इनटू टेबल, राइट। तो ये आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।